हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही हेल्दी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने सॉस या मेयोनीज कुछ भी यूज नहीं किया है और टिक्की भी मैंने दाल और कटहल से बनाया है। सबसे पहले मैं चटनी तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने ग्राइंडर जार में बरिस्ता ऐड कर दिया है। मैंने दो ऑनियन का बरिस्ता तैयार किया था और एक कटोरा मैंने दही ऐड कर दिया है। फ्राइड ऑनियन और दही ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। नमक इसमें बहुत ही कम ऐड करना है, ये सॉस बहुत ही जल्दी सॉल्टी हो जाता है। नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है और इसका पेस्ट बना लेना है। दही और फ्राइड ऑनियन का पेस्ट बनाने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून मेपल सिरप ऐड कर दिया है। आप चाहे तो 1 टीस्पून चीनी या हनी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के घर की फ्रेश मलाई ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास थिक कर्ड हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। मलाई ऐड करने से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। ये सॉस बहुत ही हेल्दी होता है, इसे आप रोटी पे स्प्रेड करके रोल बना के खा सकते हैं, सैंडविच पे स्प्रेड कर सकते हैं, मोमोज के साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सॉस की ये रेसिपी है। और मैंने टोन्ड मिल्क का कर्ड यूज किया था, इसीलिए मैंने क्रीम ऐड किया था। आप विदाउट मलाई के भी बना सकते हैं। टिक्की के लिए मैंने 150 ग्राम तकरीबन 1 कप सोग्ड चना दाल और 300 ग्राम कटहल को कुछ होल स्पाइसेज के साथ बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें से सारे होल स्पाइसेज लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, 1 दालचीनी के स्टिक और 1 जावित्री, 5 लौंग और 5 इलायची लिए थे मैंने। सारे होल स्पाइसेज को निकाल लूंगी और कटहल के बीज को भी निकाल लूंगी। फिर इसको अच्छी तरह से मैश करना है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। हाफ कप धनिया का पत्ता ऐड करना है और मैंने 1 बारीक कटा प्याज लिया है, उसको भी ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करना है। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद एक बार मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर मैं टिक्की तैयार करूंगी। टिक्की का साइज अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा रख सकते हैं। इस तरह से सारे टिक्की को तैयार करना है। मैंने तवा पे तेल ऐड कर दिया है। अब मैं सारे टिक्की को सेलो फ्राई कर लूंगी। चूंकि चना दाल और कटहल दोनों बॉइल्ड हैं, तो ये टिक्की बहुत ही जल्दी बन जाएगी और इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों साइड से कलर लाना है। टिक्की दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं हर एक टिक्की के ऊपर एक एक चीज स्लाइस एडजस्ट कर दूंगी और इसको सिर्फ चीज के पिघलने तक पकाना है। और अगर आप चीज नहीं खाना चाहते हो तो सिर्फ टिक्की के साथ भी बर्गर बनाया जा सकता है। चीज पिघलने लगा है, अब मैं एक एक टिक्की को बाहर निकाल लूंगी। और मैंने 3 मदर डेरी का चीज स्लाइस यूज किया है और 1 गो का, इसीलिए 1 व्हाइट दिख रहा है। अब मैं सारे बर्गर बन को सेक लूंगी
और सेकने के बाद फिर मैं इसको असेंबल करूंगी। तो पहले मैं इसके ऊपर मैंने जो बरिस्ता से सॉस तैयार किया था उसको स्प्रेड करूंगी, और सॉस स्प्रेड करने के बाद फिर सैलेड की पत्ती, फिर टिक्की और सलाद ऐड करके, खीरा प्याज टमाटर ऐड करके बर्गर बन को असेंबल कर लूंगी। तो मैंने सॉस और सैलेड की पत्ती ऐड करने के बाद अब मैंने उसके ऊपर प्याज ऐड किया था, फिर टिक्की, अब टोमेटो और खीरा एडजस्ट कर दूंगी और बर्गर के दूसरे पार्ट में भी सॉस लगा के बर्गर को असेंबल कर लूंगी। और ये बहुत ही हेल्दी बर्गर की रेसिपी है, इसे आप अपने पसंद के जूस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसे तरबूज के जूस के साथ सर्व करती हूँ। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें।